इस गोइला पर तो पोलियो हो गया है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना पसंद है, तो एक ट्राइपॉड आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। बड़े से छोटे बहुत सारे ट्राइपॉड आपको मार्केट या ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। मुझे भी एक ट्राइपॉड चाहिए थी, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये एक गोरिल्ला ट्राइपॉड परचेस किया। तो आज इस गोरिल्ला पॉड की अनबॉक्सिंग होगा, तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिए हमें चाहिए एक गोरिल्ला पॉड और एक नाइफ। तो पहले इस बॉक्स को कट कर लेते हैं। तो इस पैकेट को हम एक साइड में रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पैकिंग किया है। तो इसको पैकिंग को हम निकाल देते हैं। तो ये है हमारा गोरिल्ला ट्राइपॉड। इसको पैकेट से निकाल लेती हूँ। तो इस गोरिल्ला पॉड के साथ एक मोबाइल माउंट फ्री मिला है, कोई एक्शन कैम होल्डर नहीं मिला है। तो इसको एक साइड रख देते हैं। ट्राइपॉड का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं, ठीक ठाक है। अगर आप यहाँ पे एक DSLR रख के वीडियो शूटिंग करते हो, तो मुझे नहीं लगता ये DSLR का वेट ले पाएगा। लेकिन अगर आप एक मोबाइल से वीडियो बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये आसानी से मोबाइल कैरी कर सकता है। इस गोरिल्ला पॉड की जो मोबाइल माउंट है, इसका क्वालिटी कुछ अच्छा नहीं। अगर आप इसे मोबाइल सेट करना चाहते हैं, आसानी से फिट नहीं होता, तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और एक बार मोबाइल सेट हो भी गया तो मोबाइल गिरने का भी खतरा है, आपका मोबाइल गिर के टूट सकता है। आप ऐसे करके आसानी से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। ये गोरिल्ला पॉड 1.5 kg तक वेट कैरी कर सकता है, लेकिन एक दिक्कत की बात है, चलिए वो आपको बताते हैं। अगर आप इस गोरिल्ला पॉड से ब्लॉग करना चाहते हैं, तो ये देख सकते हैं, आप ये आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये मोबाइल कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ये जो क्लिप है मोबाइल होल्डर, ये उतना ज़्यादा काम नहीं करता, अच्छा नहीं है। आप ब्लॉग आसानी से कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ दिक्कत कहाँ पर है। इसका लेग बेंड करने के बाद आप देख सकते हैं क्या होता है। ये मैंने बेंड कर दिया। अगर मैं ऐसे वीडियो शूट करना चाहती हूँ, तो देखिए क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है, ये ऐसे नीचे चला जाता है। ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। मुझे लगता है इसके जो पैर है उसमें ये काफ़ी अच्छा नहीं दिया। लगता है इस गोरिल्ला पॉड को पोलियो हो गया है, इसका लेग बहुत कमज़ोर है, इसको पोलियो हो गया है, इसको खाना देना पड़ेगा, और पोलियो के दो बूंद भी नहीं तो ये हर बार ऐसे ही चला जाएगा,
ऐसे ये नीचे चला जाएगा। तो मेरा आपके आपसे सुझाव ये है कि आप अगर ये खरीदे तो मार्केट से ही खरीदे, ऑनलाइन मत खरीदे। अगर ऑनलाइन खरीदा तो ऐसा ही आपको भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।